तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गया। अगर आपके यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी मेरे यहाँ पे है। अब देखो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक क्या होने वाला है कि आपने अपने फोन के अंदर कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल करी, जाहिर सी बात है आपने बूट लोडर भी उसका अनलॉक किया होगा। अब आप लोग चाहते हो कि मैं वापस से अपनी स्टॉक रोम पे चला जाऊं या फिर अपने फोन का बूट लोडर लॉक कर लूं, तो यहाँ पे आप ये चीज कैसे कर सकते हो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दूसरी चीज, जो भी फाइल्स मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाला हूँ सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है कि फाइल कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में जाना। टेलीग्राम के लिंक है तो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन जरूरी आपके फोन में होना, तभी वो लिंक से आप डाउनलोड कर पाओगे। एक और चीज बता दूं, स्किप मत करना, अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने Asus ZenFone Max Pro M1 का बूट लोडर अनलॉक किया था, तो आपको जब आप अपने फोन के स्टॉक रोम पे चले जाओगे, बूट लोडर लॉक कर लोगे, OTA अपडेट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने ऑफिशियल मेथड का यूज करके बूट लोडर अनलॉक किया। लेकिन जिन लोगों ने पीसी का इस्तेमाल करके किया, मेरे वाले तरीके से जो मैं प्रेफर करता हूं, तो उन लोगों को अभी भी OTA अपडेट्स वहां पे मिलेंगे, हालांकि नए नहीं मिलेंगे, पुराने वाले ही आपको मिलेंगे। और ये एक छोटा सा डाउनसाइड है, अगर आप सारी चीजें फोन से करना चाहते हो, पीसी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आपको जरूर देता है, ऐसा मेरा मानना है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ या आप लोग सही हो सकते हो, जो भी है यही है। और देख लेते हैं चल के अपने वीडियो में क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं, कैसे कैसे रहने वाली हैं। तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं मेरा डिवाइस Asus ZenFone Max Pro M1, और इस पे मैं अभी यूज कर रहा हूं एक कस्टम रोम जो कि है Havok OS 4.5। और एक बार आपको मैं कंफर्म करा दूं ये चीज, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां आप सारे डिटेल्स इसके देख सकते हैं। एंड अब हम चलेंगे वापस से अपने स्टॉक रोम पे, बूट लोडर को भी लॉक करेंगे। तो जो भी फाइल्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर सबसे पहली चीज जो होगी वो होंगे ADB एंड फास्टबूट ड्राइवर जो आपको आपके पीसी पे इंस्टॉल करने हैं। तो सिंपली अब आ गए अपने पीसी पे, इसमें चलेंगे दिस पीसी में। तो आपको जो भी फाइल्स मैं डाउनलोड के लिए दूंगा, आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे उन फाइल्स को रख लेना। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा इनको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रखा हुआ, सिंपली आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ADB एंड फास्टबूट ये आप देख सकते हैं ड्राइवर्स हैं, तो ये आपको इंस्टॉल करने अपने पीसी में, उसी के बाद में ये काम करेगा आपका डिवाइस के साथ, आपका पीसी पेयर हो पाएगा, अदरवाइज पेयर नहीं हो पाएगा। दूसरी फाइल आपको यहाँ पे ये मिलेगी 334 स्टॉक AFT, तो इस फाइल को आपको कर लेना है एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट होने के बाद में आपको इसे एक लोकेशन पे डालना होगा, पर्टिकुलर लोकेशन आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर आपको जो कुछ इस तरह की फाइल्स मिलेंगी काफ़ी सारी, अब आपको क्या करना है, सिंपली सभी फाइल्स को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, सीधा जाना है अपने सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जैसे ही आप ड्राइवर्स इंस्टॉल करेंगे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ADB के नाम से, एंड यहाँ आकर के आपको सारी फाइल्स को पेस्ट कर देना है इस फोल्डर में। और कुछ फाइल्स आपसे पूछेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इस फोल्डर के अंदर, तो वो आपको ओवरराइट कर देनी है, स्किप किसी भी फाइल को आपको नहीं करना है। तो अब ये पूछ रहा है कि कुछ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो मैं सिंपली उनको रिप्लेस कर दूंगा इन्हीं फाइल्स के ऊपर। तो अब हमने दो चीज़ें कर ली हैं, हमारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, फाइल्स को हमने सही लोकेशन पे पहुंचा दिया जहां उनको होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फ़ोन के ऊपर। तो सिंपली आपको अपना फ़ोन लेना है, फ़ोन पे पावर बटन को प्रेस करना है, इसके बाद में आपको रीस्टार्ट का बटन दिखेगा, तो यहाँ आपको रीस्टार्ट टैप करना है। एंड इसके साथ ही आपको वॉल्यूम अप का बटन भी प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका फोन अब जब बूट होगा तो वो बूट होगा फास्ट बूट मोड के अंदर। तो जैसा आपने देखा फास्ट बूट मोड में हमारा फोन आ चुका है, और अब हमें अपने फोन को कनेक्ट करना होगा USB केबल के थ्रू अपने पीसी के साथ में। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया, और अब आपको अपने फोन को साइड में रख देना है ऐसी जगह पे जहां आपका केबल हिले डुले ना ज्यादा। एंड लास्ट स्टेप जो आपको करना है, इस फोल्डर में आपको फाइल मिलेगी flash all_AFT, ये फाइल आपको ओपन करनी है, सिंपली डबल क्लिक करना है एंड ये फाइल ओपन हो जाएगी। और इसके बाद में कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पीसी पे आपको होती हुई दिखेंगी, जो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, होने देनी है, एंड आपको वेट कर लेना है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, मेरे ख्याल से 3-5 मिनट तक भी ये ले सकता है, तो आपको वेट कर लेना है तब तक। और एक बार ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में कुछ इस तरह का आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, एंड इसके बाद में आप केबल को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अभी आप देख सकते हो आपके फ़ोन में वही ZenFone वाला बूट एनिमेशन आपको देखने मिलेगा जो स्टार्टिंग में मिला करता था, और जब हमने कस्टम रोम डाली हुई थी तो यहाँ पे कस्टम रोम के बूट एनिमेशन आया करते थे। अब आपका एंड्रॉयड इनक्रिप्ट होगा, इसमें कुछ समय लग सकता है, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा। इंक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा, फिर से वही बूट एनिमेशन आपको दिखाई देगा, और इस बार आप अपने फ़ोन को सेटअप कर पाओगे। और एक बार आपने अपने फ़ोन का सेटअप कंप्लीट कर लिया तो आपका फ़ोन वापस से उसी कंडीशन में आ जाएगा जैसा कि आपको स्टार्टिंग टाइम में आपका फ़ोन मिला था। एंड अभी आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, चलते हैं जल्दी से सेटिंग्स में।
सिस्टम सेटिंग्स में आते हैं एंड इसके बाद अबाउट फोन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड ओरियो 8.1 और नीचे की तरफ आप देख पाओगे जो इसका बिट नंबर है वो आपको 334 मिलता है। तो इसके बाद में आपके फ़ोन पे OTA अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, आप जिस वर्जन पे चाहो वहाँ पे रह सकते हो और अगर आप चाहते हो लेटेस्ट यूज़ करना तो आप सिस्टम अपडेट में जाके अपने फ़ोन को अपडेट भी कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं इन सारी चीजों की मदद से या इन सारे स्टेप्स की मदद से मैं आपके फोन के बूटलोडर को वापस से लॉक करवा पाया हूंगा या फिर आप सोच रहे होंगे करने का तो इन फ्यूचर करवा पाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, मन में कोई सवाल है, सुझाव है, कुछ भी है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, सोशल मीडिया इधर या इधर कहीं लिंक्स आपको दिख रहे होंगे वहां जाकर के फॉलो कर लेना, वहां पे भी एक्टिव रहते हैं, बात बात करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे आने वाले किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।